नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देश में कई राज्यों में कोरोना वैक्सीन की कमी की शिकायत के बीच भारत बायोटेक ने मंगलवार को वैक्सीन की डायरेक्ट सप्लाई के बारे में बताया। कंपनी ने बताया कि वह कोवैक्सीन की नियमित सप्लाई जारी रखेगा। भारत बायोटेक ने सोशल मीडिया पर लिखा, हम लगातार सप्लाई तेज करने के प्रयास कर रहे हैं, इसके बावजूद कुछ राज्य हम पर सवाल उठा रहे हैं। यह बेहद निराशाजनक है। हमारे 50% कर्मचारी कोरोना की वजह से काम नहीं कर पा रहे, फिर भी हम महामारी और लॉकडाउन के बीच 24 घंटे काम कर रहे हैं। हाल ही में कंपनी की ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सुचित्रा एला ने कहा था कि केंद्र सरकार से प्राप्त आवंटन के आधार पर कंपनी ने 1 मई से राज्यों को वैक्सीन की स्थिति आपूर्ति शुरू कर दी है। इससे पहले हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया था कि तीसरे फेज के लिए होने वाले टोटल प्रोडक्शन का 50% केंद्र सरकार रखेगी, जबकि बाकी 50% राज्य सरकारों और खुले बाजारों में बिक्री के लिए दिया जाएगा। भारत बायोटेक ने केंद्र सरकार को 150 रुपये प्रति डोज और राज्यों को 600 रुपये प्रति डोज के दाम पर वैक्सीन देने का ऐलान किया था। काफ़ी आलोचना के बाद कंपनी ने 29 अप्रैल को अपने टीके की कीमत 600 रुपये से घटाकर 400 रुपये प्रति डोज करने की घोषणा कर दी। भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की कोशिशों से बनी पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन दुनिया की सबसे सफल वैक्सीन में से एक के तौर पर सामने आई है। कंपनी ने फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के दूसरे अंतरिम नतीजों के आधार पर दावा किया है कि वैक्सीन की क्लिनिकल 78% है, यानी यह कोरोना इन्फेक्शन को रोकने में 78% इफेक्टिव है। अच्छी बात तो ये है कि जिन्हें ट्रायल्स में यह वैक्सीन लगाई गई थी उनमें से किसी में भी गंभीर लक्षण नहीं दिखे, यानी गंभीर लक्षणों को रोकने के मामले में इसकी इफेक्टिवनेस 100% है। रिपोर्ट IPN।